नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत में खाए जाने वाले मसालेदार मूंगफली के दाने, जो कि फटाफट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि मसालेदार मूंगफली के दाने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मूंगफली के दानों को हमने अच्छे से भून लिया था और इनके छिलके निकाल लिए हैं। तो एक कटोरी मूंगफली के दाने, देसी घी, हमें पूरा घी नहीं लगेगा, थोड़ा ही लगेगा फ्राई करने के लिए, सेंधा नमक व्रत में खाए जाने वाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और पिसी हुई शक्कर। ये दोनों आपकी इच्छा हो तो डालें या ना डालें। यदि आपको खट्टा मीठा फ्लेवर चाहिए तो डालें, और यदि आपको चटपटा मसालेदार चाहिए तो इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मसालेदार पीनट। सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई में घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें मूंगफली के दाने डालेंगे और एक एक करके हम सभी मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, व्रत में खाए जाने वाला सेंधा नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी शक्कर। और अब सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मसालेदार मूंगफली के दाने बनके तैयार हैं। ठंडा होने के बाद इनको आप एयर टाइट डब्बे में भर के रख सकते हैं और मन चाहे जब आप खा सकते हैं। यदि आपको व्रत में नहीं खाना हो तो आप नॉर्मल नमक डाल के भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।